नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो होने वाला है पहाड़ों पे होंडा एलिवेट का माइलेज कैसा है और इसका लॉन्ग राइड पे कंफर्ट कैसा है। अगेन मैं फ्यूल फिर से फिल कर चुका हूँ और इस बार मैं जा रहा हूँ देहरादून से रुद्रप्रयाग। इस बार पूरी की पूरी मेरी जर्नी जो होगी वो पहाड़ों पे होगी और ये जो फ्यूल का टेस्ट होगा टैंक टू टैंक, ये होगा पूरा का पूरा पहाड़ों पे। तो देखते हैं इस बार क्या माइलेज मिलती है। और गाड़ी में अभी 3 लोग बैठे हुए हैं, एक छोटा बच्चा है जिसमें बूट स्पेस फुल है। तो ये गाड़ी की कंडीशन है। अभी मैं ऋषिकेश पहुंच चुका हूं और मैंने अभी 32 किलोमीटर चला लिया है इसको, जिसमें मेरा 20.5 का माइलेज आ रहा है और पूरा का पूरा रोड ऑलमोस्ट सीधा ही था। जो मेरी स्पीड थी वो 50, 70, 80 लगभग ऐसे ही कुछ थी। और अब जो है यहाँ से पूरा पहाड़ी रास्ता शुरू होता है, तो ये अब माइलेज जो है ड्रॉप हो जाएगा थोड़ा। शवार क्या देख रहा है, क्या देख रहा है? अभी जो मैं चल चुका हूँ 48 किलोमीटर और मुझे जो माइलेज दिख रही है अभी 17.3 की माइलेज दिख रही है और मैं आराम से ही चल रहा हूँ अभी तक। ऐसे कुछ रास्ते हैं यहाँ पे, रास्ते की कंडीशन कहीं कहीं बहुत खराब है। मैं पहली बार इसको पहाड़ों पे लंबा लेके आया हूँ और अभी मुझे टर्न पे बॉडी रोल फील हो रहा है इस गाड़ी में ठीक ठाक। पराठे का साइज देख लो, ये मेरा हाथ है। ब्रेकफास्ट हमारा डन हो चुका है, लेट्स मूव टू हेड। अगर बात करें इसका लॉन्ग राइड कंफर्ट कैसा है, तो लॉन्ग राइड कंफर्ट इसका बहुत अच्छा है। ये जो मैं अभी सामने स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, ये मैंने होंडा कनेक्ट ऐप से लिया हुआ है। तो इसमें आप देखेंगे डिस्टेंस 344 किलोमीटर है, जो कि मैंने एक सिंगल स्ट्रेच में कंप्लीट की थी। ये राइड जो मेरी थी ये देहरादून से दिल्ली के लिए थी और इस राइड में ना तो मुझे कोई बॉडी पेन था ना वाइफ को, दोनों के दोनों बहुत कंफर्टेबल थे इस राइड में। 98 किलोमीटर चला चुका हूँ और अभी माइलेज दिखा रहा है 14.8 और 9 के आसपास। पीछे ढलान था तो उसमें थोड़ा माइलेज बढ़ जाता, वैसे 14 के आसपास कुछ दिखा रहा था माइलेज इससे पहले। वैसे यहाँ पे साइड में पत्थर काफ़ी गिर रहे हैं, गिरे हुए थे पहले, बरसात के टाइम पे काफ़ी पत्थर गिरे होंगे। सनरूफ का देखो कितना प्यारा इस्तेमाल हो रहा है ना, यहाँ से दिख जाता है कि भाई ऊपर से कोई पत्थर वत्थर गिरने का कोई सिस्टम तो नहीं है। तो मैं अभी थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट के लिए रुका हूँ और इस जगह का नाम है देवप्रयाग। तो यहाँ पर दो नदियों का संगम होता है, भागीरथी और अलकनंदा का। जो सामने आप डार्क कलर में देख रहे हैं वो अलकनंदा है, दूसरी भागीरथी, और यहाँ से ये माँ गंगा का रूप ले लेते हैं। तो फाइनली मैं रुद्रप्रयाग पहुँच गया हूँ और मैंने इसको चला लिया है 163 किलोमीटर और जो मुझे माइलेज इसमें शो कर रहा है वो 14.9 की शो कर रहा है। और तेल दिखा जी, और पर बस 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 कितना लीटर आया इसमें, 10 लीटर आया ना। गाड़ी को मैंने कुल चलाया है 163.3 किलोमीटर और जो मुझे जो मेरा गाड़ी में फ्यूल आया है वो आया है 10.37 लीटर। तो जो माइलेज मुझे मिली है वो 15.74 की पहाड़ों पे मिली है। आई थिंक ये काफ़ी अच्छी माइलेज है मेरे लिए। तो लगभग मैं इसको 16 तक पहुंचा सकता था मैं थोड़ा और आराम से चलाता। तो दोस्तों ये था कुछ इसका माइलेज टेस्ट। और अगर आपके कुछ भी सवाल हो गाड़ी को लेके या फिर कुछ भी सुझाव हो कृपया करके कमेंट में डाल सकते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं एक और नई वीडियो में जल्दी। धन्यवाद।